नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कौशल स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूँ, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो बगल वाला बेल आइकन है उसे आप जरूर दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। अब आइए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने में दिख रहा होगा, अगर आप चाहें तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं और इसका आंसर हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। सो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 20 है और 11 है, इन दोनों का रिलेशन सबसे पहले आपको फाइंड करना है और यही रिलेशन आपको यहां पर भी बताना है, ठीक है। तो यहां पर क्या पैटर्न हो सकता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं आपको तुरंत बता ही दूंगा। सो यहां पर देखिए लिखा हुआ है 20 और 11, हम यहां क्या कर सकते हैं, या तो हम इसमें से -9 कर सकते हैं एक काम, अगर 11 बनाना हो तो, अगर इसमें 9 अगर माइनस करेंगे तो हमें इधर भी 9 माइनस करना होगा। अगर इसमें से 9 अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर देखिए 100 के आसपास में कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये तो हमारा लॉजिक फेल हो गया। एक काम हम यहाँ पर और कर सकते हैं, वो क्या है, अगर हम इस 20 को हाफ करें, ठीक है, अगर इसे हाफ कर दें तो कितना हो जाएगा 10, और इसमें अगर प्लस हम 1 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है, 11 हो जाएगा। यही काम अगर हम इसमें करते हैं तो देखते हैं ऑप्शन के आसपास आता है या नहीं, तो 102 है, इसे अगर हम हाफ करते हैं तो कितना हो जाएगा 51, और 51 में अगर हम प्लस 1 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 52, और ऑप्शन में आपको 52 यहां पर दिख रहा होगा ऑप्शन ए में। सो आंसर क्या आएगा, 52। अगर आपको कोई और लॉजिक मालूम है तो आप हमें कमेंट करके इसका लॉजिक हमें बता सकते हैं। सो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का कुछ है, 6 है, 4 है, 1 है, 5 है, और इसका रिलेशन आपको दिया हुआ है 5, 3, 0, 4, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका रिलेशन फाइंड करना है और यही रिलेशन आपको इधर भी लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप माइंड यूज़ कीजिए, और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है अगर आप देखें तो। यहाँ पर अगर आप देखें तो कितना है, 6 है, 4 है, 1 है और 5 है, और यहाँ पर 5, 3, 0, 1, अगर यहाँ पर हम गुना करते हैं तो भी हमारा आंसर नहीं आएगा, अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो भी हमारा आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। तो एक सिंपल सा लॉजिक का ये मेथड आता है, इसमें अगर आप देखें तो 6 में अगर हम -1 करते हैं तो आपको यहाँ पर 5 दिख रहा होगा, ठीक है। अगर 4 में अगर हम -1 करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 दिख रहा होगा, अगर 1 में हम -1 करते हैं तो यहाँ पर आपको 0 दिख रहा होगा, और 5 में अगर -1 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको 4 दिख रहा होगा, ठीक है। तो लॉजिक आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग यूज करेंगे थोड़ा सा एडवांस, बट यहाँ पर ईजी जो है आपको दिया रहेगा। सो कितना दिया हुआ है, 7, 8, 9 और 6 है, इसमें से सब में हम -1, 1 कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 6, ये हमारा हो जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा 8 और ये हमारा हो जाएगा 5। सो जिसमें यहाँ पर अब दिख रहा होगा 6, 7, 8, 5, वही हमारा आंसर होगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी में आपको ये दिख रहा होगा 6, 7, 8, 5, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर और कोई लॉजिक अगर आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट करके इसका लॉजिक बता सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने में दिख रहा होगा, और इसमें आपको फोर्थ ऑप्शन ही सिर्फ दिया जाएगा, और इन चार ऑप्शन में से आपको ढूंढना रहेगा कि कौन भिन्न है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको लॉजिक लगाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ऑप्शन ए को यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो अगर ये देखेंगे लास्ट में आप, ये 30, 515, 128 और 731, तो आपको कुछ जो है यहाँ पर लॉजिक लग रहा होगा। क्या लॉजिक लग रहा होगा कि अगर 3 का अगर आप क्यू करते हैं तो 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है, ठीक है, और 27 और प्लस 3 कितना होगा, तो 30 होगा। तो ये लॉजिक यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है, देखते के साथ ही हमें यहाँ पर पता चल गया। अगर आपको क्यू मालूम रहेगा तो ही यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लॉजिक क्या हो रहा है। अब देखिए 8 है, 8 का क्यू कितना होता है, 8 का क्यू होता है 512, और 512 में प्लस अगर हम 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 515 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम अगर बी में देखते हैं तो 5 का क्यू कितना होता है, 125 होता है, 125 में अगर हम 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, ठीक है।
उसी प्रकार से हम देखते हैं कि डी में भी यही पैटर्न फॉलो करता है कि नहीं। तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729, और 729 में अगर हम यहाँ पर प्लस अगर हम 3 करते हैं तो कितना होना चाहिए था, 732, 732 होना चाहिए था, बट यहाँ पर है कितना, 731 है। तो यही हमारा भिन्न है, ये सबसे अलग है, ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को जितना भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बताया है सभी के सभी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आप सभी के सामने में दिख रहा होगा, ये आयु वाला क्वेश्चन है, इसे हम सबसे पहले बेसिक से सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसे ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं 5 से 6 सेकंड में। तो आइए हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसे बेसिक से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कहता है कि आयु में एक्स 4 वर्ष बड़ा है वाई से। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक्स है, फिर वाई है, और एक जो व्यक्ति है जेड है, तो जेड भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, कहता है कि एक्स 4 वर्ष बड़ा है वाई से। अगर वाई को हम यहाँ पर ए मानते हैं तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ए प्लस 4। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो कि जेड से दुगना बड़ा है। अब देखिए ये जो जो वाला टर्म आया है इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि एक्स के लिए यहाँ पर कहा जा रहा होगा, बट यहाँ पर ये जो जो है जस्ट इसके बगल में जो भी पर्सन रहता है उसी के लिए जो यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो कि जेड से दुगना बड़ा है, कौन, वाई। तो जेड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा वाई का आधा, यानी कि ए वाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो योग है कह रहा है कि यदि x, y और z की आयु का जो योग है 34 वर्ष है, तो x की आयु कितनी होगी ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो सबको हम यहां पर प्लस कर देते हैं, a प्लस 4 प्लस a प्लस ए वाई 2 बराबर कितना है, 34 है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये जो 4 है आपका, अगर उधर आप भेजते हैं तो 30 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 34 में से 4 तो बचेगा आपका 30। ये आपका a और a मिलके बन जाएगा 2a, और इधर अगर हम गुना करते हैं तो हो जाएगा दुधनी के 4a प्लस a, और y में आपका 2 है और इधर आपका 30 है। ये जो 2 है आप अगर इधर भेजेंगे तो हो जाएगा आपका, इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हो जाएगा 5a बराबर में आपका 60। ठीक है, 5 से जाएगा ये 12 बार में, तो a बराबर आपका आ गया 12। अब जैसे आपको ए पता चला यानी कि वाई का आयु आपको पता चल गया कितना वर्ष है, 12 वर्ष है। ठीक है, 12 वर्ष है, तो एक्स का आयु कितना हो जाएगा, 12 प्लस 4 यानी 16 वर्ष। अब देखिए जेड का आयु कितना हो जाएगा, तो 12 का सिर्फ आधा कर दीजिए कितना हो जाएगा, 6। हमसे पूछा जा रहा था एक्स का आयु, तो एक्स का आयु कितना है, तो एक्स का आयु यहाँ पर देख सकते हैं 16 वर्ष है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को हमें बताना है, तो जल्दी से इसका आंसर फाइंड कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, घी है, दूध है, दही है, गाय है, मक्खन है, इसको आपको अरेंज करना है इक्वल में, पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका आंसर हमें बताइए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर नंबर सीरीज का है, क्या है, 512 है, 256 है, 128 है, यहाँ पर वाट है, यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 8 है। अगर ये सीरीज देखें तो देखते के साथ ही हम यहाँ पर इसका आंसर कर सकते हैं 64। कैसे करेंगे, तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का तभी आप इस तरीके से जो है आंसर कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने कैसे यहाँ पर 64 डायरेक्ट यहाँ पर आंसर ला दिया। यहाँ पर अगर हमने पढ़ते पढ़ते के साथ ही हमने यहाँ पर देख लिया कि ये देखिए 8 को अगर हम 2 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 16। 16 को अगर 2 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 32। अब 32 को अगर 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। अगर हम इधर से लेते हैं तो 512 में अगर 2 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 256। 256 में अगर 2 से हम भागा देते हैं तो हो जाएगा हमारा 128, और 128 में अगर हम 2 से भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आप इस तरीके से जल्दी से आंसर फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को टिक करने में ज्यादा से ज्यादा आपको 2 सेकंड लगता है, 1 सेकंड आपको देखने में और दूसरा सेकंड आपको टिक करने में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप सभी के सामने में दिख रहा होगा, यह क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, और एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही। अब आप इसे कैसे एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं सबसे पहले वो आप समझिए। यहाँ पर कहता है क्वेश्चन कि विनोद की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक तो विनोद है और एक कौन है, एक राधा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं राधा, और ये हमारा हो गया विनोद। नाम से हमें पता चल रहा है कि ये जो विनोद है कौन है, ये हमारा मेल है और ये हमारा फीमेल है। ठीक है, ये कहता है, राधा कहती है, राधा ने कहा कि उसकी बहन, उसकी बहन यानी किसकी बहन, इस विनोद की बहन, इस विनोद का जो बहन है, मेरी माँ। अब मेरी माँ अगर कह रहा है तो ये किसके बारे में कह रहा है, ये जो राधा है ये खुद के बारे में कह रही है कि मेरी माँ, मेरी माँ यानी कि ऊपर जाएगी मेरी माँ। ठीक है, ये राधा कह रही है मेरी माँ की एकमात्र बेटी है, कौन,
इसका जो बहन है, इसका बहन, इस विनोद का बहन, इसकी माँ की एक लौती कौन है, बेटी। अब एक लौती बेटी है तो ये खुद के बारे में कह रही है, ये खुद के बारे में कह रही है, तो विनोद की ये कौन लगेगी, बहन लगेगी। ठीक है, बहन लगेगी। जब बहन लगेगी तो देखते हैं इस ऑप्शन में बहन है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आपको चचेरी बहन दिख रहा होगा, ये होगा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर पुत्री कहा जा रहा है तो ये भी नहीं होगा, माँ है ये भी नहीं होगा। लेकिन आपको डी में आपको दिख रहा होगा वहन यहां पर लिखा हुआ है, सो आंसर क्या होगा, बहन होगा। ठीक है, एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। एक बार और यहां पर कहता है कि विनोद की ओर इशारा करते हुए, अब देखिए राधा विनोद की ओर इशारा करते हुए कहती है कि उसकी बहन, इस विनोद का कोई बहन है, ठीक है, मेरी माँ, मेरी माँ कह रही है, तो राधा खुद के बारे में कह रही है कि मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अब इकलौती अगर बेटी अगर कहा जाएगा तो राधा तो खुद के बारे में कह रही है, राधा खुद के बारे में अगर कह रही है तो इस बंदे का कौन लगेगी, है बहन लगेगी। सो डायरेक्ट आप यहाँ पर आंसर बहन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर पूछ सकते हैं, और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं लास्ट तक वो एक एक लाइक ज़रूर करें हमारे लिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि कूट भाषा में बिल्डिंग को 4152 7596 लिखा गया है और रिवर को 85308 लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में आपको ब्रिज को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में दिखे तो सबसे पहले आप क्या करें, BRIDGE, सबसे पहले आपको क्या करना है कि फर्स्ट एंड लास्ट वाला जो है आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो बी देखिए आपको फर्स्ट में दिख रहा होगा, तो बी फर्स्ट में है, तो इसके लिए कोड क्या किया गया, फोर किया गया है, तो फोर हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे फोर। फिर हम क्या करेंगे, ई को देखेंगे कि ई हमारा कहाँ पर है, तो ई देखिए यहाँ पर रिवर में आपको दिख रहा होगा लास्ट से सेकेंड नंबर पर, तो सेकेंड नंबर पर क्या कोड किया गया है, जीरो, तो लास्ट में क्या होगा, जीरो। तो यहाँ अगर ऑप्शन में देखते हैं तो आपको तीन ऑप्शन तो आपको दिख जाएगा, बी डी और सी, जिसका जो है फर्स्ट और लास्ट वाला जो लेटर है फोर और जीरो है। तो हमें क्या करना होगा, लास्ट से ही एक ये वाला देखना होगा और फिर लास्ट से हमें ये वाला देखना होगा, यानी आर और जी को देखते हैं। तो आर के लिए क्या कोड किया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आर के लिए आठ कोड किया गया है, तो आठ हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर अगर हम लास्ट से देखें जी है, तो जी के लिए यहाँ पर क्या कोड किया गया, जी के लिए यहाँ पर छः कोड किया गया है, तो यहाँ पर हम छः लिख देते हैं। तो देखते हैं लास्ट से हमारा 48 और 60 कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए इसमें 45 है और 60 है, तो ये होगा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर अगर बी नंबर देखें तो 48 और 70 है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। एक ही ऑप्शन आपका बचता है डी, जो कि 48 है और 60 है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अरेंज कर सकते हैं और जल्दी से आप जो है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी ने सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब इस वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।